चलो एक और नई लोकेशन पर लेके चलता हूँ गाइस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ फहीम और आज आपको फिर से एक लोकेशन दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है मयूर बंगलो। आप इधर देख सकते हो, ये है मयूर बंगलो। दोस्तों, मयूर बंगलो एक बॉलीवुड का फेमस फिल्मों की शूटिंग लोकेशन है। दोस्तों, 90s के ज़माने की अगर हम बात करें तो जब भी फिल्में शूट होती थी उन बहुत सारी फिल्मों के अंदर ये बंगलो दिखाया गया है। दोस्तों, ये बंगलो है मयूर बंगलो। दोस्तों, न जाने बॉलीवुड की कितनी सारी फिल्में यहाँ पर शूट की गई हैं। विश्वात्मा फिल्म में सनी देओल सर हैं, दिव्या भारती जी हैं और बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया था। तो मुझे बहुत टाइम से लोग कमेंट कर रहे थे, एक भाई ने तो इतने सारे कमेंट किए कि फहीम भाई प्लीज़ विश्वात्मा फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाओ, फहीम भाई प्लीज़ विश्वात्मा फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाओ, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे। दोस्तों, आज हम आपको वो लोकेशन दिखाने जा रहे हैं, आज वो बंगलो दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर एक दिन दिव्या भारती जी की फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, आप जानते हो मैं हमेशा वो लोकेशन ढूंढता रहता हूँ जहाँ से भी दिव्या भारती जी का कोई कनेक्शन हो, जहाँ पर दिव्या भारती जी कभी आई हों या जहाँ पर उनकी फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए हों। दोस्तों, ये जो बंगलो आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये बंगलो एक फेमस बंगलो है जो जुहू में है, तारा रोड पर। लेकिन आज ये बंगलो खंडर की तरह पड़ा है। दोस्तों, ये बंगलो का नाम है मयूर महल जो जुहू तारा रोड पर है। दोस्तों, आज हम इस बंगलो के अंदर से आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर विश्वात्मा फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों, विश्वात्मा फिल्म में सनी देओल सर को दिखाया गया है पुलिस वाला। करीब 30 साल पहले ये फिल्म के सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे और आज हम इसको 30 साल के बाद देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे ये बंगलो में कितना फर्क आया है। ये बंगला आज की डेट में खंडर हो चुका है। ये बंगला आज की डेट में इसकी मरम्मत नहीं है, बस यहाँ पर एक वॉचमैन ने इसको घेर के रखा है। इसमें स्विमिंग पूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज वो सब खंडर की तरह है। दोस्तों, लेकिन आज भी इस बंगले का कलर वही है जो बंगले का कलर आज से 30 साल पहले जब फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे जब था। आइए दोस्तों, अब हम इस बंगलों को चारों ओर से देखते हैं और दिन करते हैं याद कि जब अब से 30 साल पहले दिव्या भारती जी इस दुनिया में ही थी, जब वो दिव्या भारती जब अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। थोड़े से ही टाइम में उन्होंने कितनी सारी फिल्मों में काम कर लिया था, उसी में से एक फिल्म में उन्होंने विश्वात्मा फिल्म की कुछ सीन यहाँ पर लिए गए थे। दोस्तों, दिव्या भारती इस बंगले में और भी बहुत बार आई हैं। दिल का क्या कसूर फिल्म है जिसमें यही बंगलो दिखाया गया है। दोस्तों, हम बंगले के अंदर से दिखा रहे हैं आपको। आप जो ये सीढ़ी देख रहे हो, ये वही सीढ़ी है जो फिल्म के अंदर दिखाई गई है। देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट से अगर आप मैच करेंगे तो ये सीढ़ी की रेलिंग्स आज भी वही रेलिंग्स है जो आप फिल्म के स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो। दोस्तों, ये वही सीढ़ी है जहाँ से सनी देओल सर उतरते हैं। ये दोस्तों वही सीढ़ी है जहाँ से फिल्म के सीन लिए गए थे। दोस्तों, ये जो आप वाइट कलर की मूर्ति देख रहे हो, ये जो दीवार का कलर देख रहे हो, ये जो विंडो के कलर देख रहे हो, आज भी ये आपको विश्वात्मा फिल्म की याद दिला रहे हैं। दोस्तों, ये अब से करीब 30 साल पहले आई हुई फिल्म हमको याद दिला रही है दिव्या भारती जी की। ये घर दिव्या भारती जी की याद दिला रहा है। दोस्तों, आज भी इस बंगलों के कलर भले ही थोड़े उतर चुके हैं, लेकिन कलर्स आज भी वही हैं। दोस्तों, ये वो दरवाज़ा है जहां से सनी देओल सर अंदर एंट्री मारते हैं। आज इस पे वो लोखंड वाला जाली दरवाज़ा हटा दिया गया है, लेकिन जो डिज़ाइन है आज भी आप देख सकते हो, ये डिज़ाइन आज भी ऐसा ही है। इस जगह से आते हैं सनी देओल सर और पुलिस की यूनिफॉर्म में वो रहते हैं और वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। बंगला ऊपर से और भी खंडर है। यही वो सीढ़ी है जिससे वो ऊपर की ओर जाते हैं दोस्तों, और इस जगह पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों, सनी देओल सर ने भी दिव्या भारती जी के साथ में काम किया था। मैं कोशिश करूंगा कि कभी अगर उनसे मिल पाया तो दिव्या भारती जी के बारे में ही मैं उनसे पूछूंगा, कभी भी मैं उनसे मिला तो। दोस्तों, ये जो
बंगलो आप देख रहे हो यही वो बंगलो है जो स्टार्टिंग में विश्वात्मा फिल्म में सजाया हुआ दिखाते हैं। दोस्तों ये बंगला आज भी उनकी याद दिलाता है। दोस्तों इस बंगले में न जाने बॉलीवुड की कितनी फिल्मों के सीन रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन मेरी हमेशा की सबसे पहली वीडियो जो मैं बनाना चाहता हूँ वो हमेशा दिव्या भारती जी के लिए बनाना चाहता हूँ। दोस्तों आज भी मेरे दिल में बहुत सारी जगह बसी हुई हैं जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, किसी वजह से लेट हो जाता हूँ, नहीं तो आज भी जो वीडियोस दिव्या भारती जी से रिलेटेड है मैं उनको बहुत जल्दी बनाने वाला हूं और आप लोगों को वो सारी वीडियो बना के दिखाऊंगा जहां पर दिव्या भारती जी बैठी थी। फिल्म विश्वात्मा फिल्म का एक सॉन्ग जिसमें दिव्या भारती जी यू नो रातों रात फेमस हो गई थी, ये सॉन्ग उनका इतना फेमस हुआ था कि आज के टाइम भी जब कहीं पर शादी होती है, जब कहीं पर बैंड बाजा बजता है तो ये सॉन्ग जरूर सुनते हैं। आज भी ये बड़े बड़े डीजे पे बजाया जाता है, आज भी लोग इस पर डांस करते हैं। दोस्तों ये मेरा भी एक फेवरेट में से एक सॉन्ग रहा है, लेकिन ये हमेशा उनसे जुड़ी हुई यादें दिलाता है। आज भी जब मैं यहाँ से कभी भी गुजरता हूँ इस बंगले के आजू बाजू से, इस बंगलों के बाहर ही एक स्कूल है जहाँ पर दिव्या भारती जी पढ़ी थी। मैंने उस स्कूल की भी वीडियो बनाई है, अगर किसी मेरे भाई ने दिव्या भारती जी के वो स्कूल की वीडियो ना देखी हो तो वो भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। दोस्तों आपकी जो वीडियोस आप जैसे जैसे बोल रहे हो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है वो आप समझ सकते हो, बिकॉज़ मैं एक साथ सब जगह की वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना कि ये वीडियोज़ आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।